गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर बुक्स पेज नंबर 5। इन लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू मैन वर्सेस कंप्यूटर, किस प्रकार से इंसान और कंप्यूटर कार्य करते हैं। नोटेड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। हियर आर ए फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विच वी सी अराउंड अस। यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर हमारे आसपास पाए जाते हैं। फर्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे, जो HDTV के आकार का रहता है, उसको एक जगह रखा रहता है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह उसको घुमा नहीं सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर गेट्स पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सॉकेट। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो बिजली इलेक्ट्रिक सॉकेट से पाया जाता है, इसको मिलता है। एक कमरे में एक जगह पर रखा रहता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक सॉकेट रहते हैं, तो वहाँ से उसका इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। इट इज ए बिग एंड हैवी एंड कैन नॉट बी इजली मूव्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यह बड़ा और हैवी होता है, बड़ा साइज में बड़ा होता है और वजन में भारी होता है। एंड कैन नॉट बी इजली मूव्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकता है। न्यू पार्ट्स कैन बी एडेड टू ए डेस्कटॉप कंप्यूटर वेरी इजली। जो इसके न्यू पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर में बहुत आसानी से इसमें ऐड हो सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड है, ये माउस है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे क्या है, CPU है। क्या कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये इसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। इसका जो पावर सप्लाई है वो इलेक्ट्रिक सॉकेट की वजह से, इसमें इलेक्ट्रिक से सप्लाई होता है। नाउ सेकंड टाइप, लैपटॉप कंप्यूटर्स। ऑल पार्ट्स ऑफ ए लैपटॉप कंप्यूटर आर बिल्ट इनटू ए सिंगल यूनिट। मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, CPU, सब के सभी पार्ट क्या हैं, ये सिंगल यूनिट में बने हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ पर लैपटॉप देख रहे हैं, इसके आसपास ना तो CPU है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है, ना स्पीकर है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब पार्ट्स को इसको मिला करके लैपटॉप को प्रिपेयर किया गया है। इट इज ए स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरीड इजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यह साइज में भी छोटा होता है और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इट वर्क्स ऑन बैटरी विच कैन बी चार्ज लाइक दैट ऑफ ए मोबाइल फोन। लैपटॉप कंप्यूटर जो है, इसको हम लोग, इसमें ऐसा नहीं ज़रूरी है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक सॉकेट होना ज़रूरी है, इसके लिए इलेक्ट्रिक होना ज़रूरी है। ये चार्जेबल होता है, इसमें बैटरी लगी रहती है, जो एक बार चार्ज हो जाती है तो कुछ घंटे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो चलता रहता है। इस प्रकार से हम आजकल मोबाइल फ़ोन लेकर चलते हैं, एक बार चार्ज कर लेते हैं, दिन भर उसको हम लोग अपना चलाते रहते हैं। नाउ थर्ड टाइप, टैबलेट्स। ए टैबलेट इज ए स्मॉलर देन ए लैपटॉप कंप्यूटर्स दैट कैन इजली होल्ड इट इन आवर हैंड। टैबलेट्स जो हैं, सबसे बड़ा क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था, उसके बाद लैपटॉप आया, उसके बाद टैबलेट। टैबलेट क्या है, टैबलेट लैपटॉप से भी छोटा होता है, इसको हम लोग अपनी हथेली पे या अपने हाथों में लेकर आसानी से अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, लेकर एक जगह से दूसरी जगह पॉकेट में भी रख के इसको आ जा सकते हैं। टैबलेट्स आर ऑपरेटेड बाई टच एंड आर पावर्ड बाई ए रिचार्जेबल बैटरी। यह जो टैबलेट्स हैं वो टच पे काम करते हैं, इसमें कोई कीबोर्ड नहीं होता है, ये टच से काम करेगा। और इसमें जो पावर है, सप्लाई है, वो किससे है, रिचार्जेबल बैटरी से है। जिस प्रकार से लैपटॉप में, मोबाइल में रिचार्जेबल बैटरी लगी रहती है, रिचार्ज करो मतलब उसको चार्ज करिए आप और वो वर्क करता रहता है। 3D बाइट्स,
टच स्क्रीन लैपटॉप्स एंड टच स्क्रीन डेस्कटॉप्स आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के संसार में टच स्क्रीन लैपटॉप और टच स्क्रीन डेस्कटॉप ये लेटेस्ट ट्रेंड है। इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है कि जो है जो डेस्कटॉप पहले कीबोर्ड पर काम करता था वो टच स्क्रीन पर काम कर रहा है। टच स्क्रीन लैपटॉप आ गया है, डेस्कटॉप दोनों भी बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत इस समय यूज में है। कन्वर्टिबल आर हाइब्रिड आर लैपटॉप्स दैट कैन आल्सो डेवलप एज ए टेबल टैबलेट। आजकल इस समय इस इतना डेवलप हो गया है कि हाइब्रिड और कन्वर्टेबल जो लैपटॉप्स हैं वो लैप टैबलेट की ही तरह वर्क कर रहे हैं, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली। दैट्स फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट आई विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी वीडियो ट्वाइस।